हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण, उसका जो है 2022 का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके लेके आ रखा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के आंसर मैंने आपको जो है वीडियोस में बता दिए हैं। अगर आपने जो है वो वीडियो नहीं देखे हुए तो अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप लोग जो है वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपने अभी तक जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो पिन किया हुआ है लिंक उसका, तो आप लोग जो है क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन है हमारा कि डॉल्फिन डॉट डॉट है, तो जो डॉल्फिन है वो जो है एक प्रकार का जो है स्तनधारी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है, स्तनधारी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट राज्य में स्थित है, तो जो शांत जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो जो स्थित है वो है हमारा केरल में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर यहाँ पे मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर बताता हूँ और आपको अगर उस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी आपको जो है किसी भी क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है गलत बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। और यहाँ पे दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि नाइज शब्द लैटिन भाषा के नोजिया शब्द से लिया गया है जिसका अभिप्राय डॉट डॉट से है, तो जो नाइज जो शब्द लैटिन जो भाषा है उसके जो नोजिया शब्द से लिया गया उसका जो अभिप्राय है वो है अवांछनीय ध्वनि से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कि ओजोन की मोटाई मापन की इकाई डॉट डॉट है, तो जो ओजोन की जो मोटाई मापने की जो इकाई है वो है हमारी डॉप्सन, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो ग्रीन हाउस जो गैस है वो है हमारा ए और बी दोनों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 कि ओजोन परत हमारी डॉट डॉट से रक्षा करती है, तो जो ओजोन परत है वो जो है हमारी जो रक्षा करती है वो यूवी जो किरण होती है प्रकाश होती है लाइट उससे हमारी जो है रक्षा करती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 कि निम्न में से कौन वैश्विक उष्णता का प्रभाव है, तो निम्न में से जो वैश्विक उष्णता का जो प्रभाव है वो है हमारा ग्लेशियर का पिघलना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 कि उत्तराखंड का राज्य पशु डॉट डॉट है, तो जो उत्तराखंड का जो राज्य जो पशु है वो कस्तूरी मृग है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका जो है सही आंसर है। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के आंसर नहीं देखे हुए तो लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी साइड में, आपको उस पर क्लिक करके जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 69 कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, तो जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो द्वितीयक जो उपभोक्ता है वो है शेर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कि वायुमंडल के सबसे निचले स्तर को डॉट डॉट कहते हैं, तो जो वायुमंडल का जो सबसे निचला जो स्तर होता है उसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं सौरमंडल, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव डॉट डॉट होता है, तो जो पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें जो ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो एक दिशीय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कि निम्नलिखित में
सॉरी निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए खतरा है? तो जो जैव विविधता के लिए जो खतरा है वो है ये सभी जो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे जो आपको तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी राइट हैं, तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 कि एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध होने को परितंत्र में डॉट डॉट कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी खाद्य जाल, तो इसको जो है खाद्य जाल कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 कि निम्नलिखित में से किसके लिए रियो डी जेनेरियो जाना जाता है। तो जो रियो डी जो जेनेरियो हैं वो जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी सम्मेलन हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो जल्दी से लाइक कर लें, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख लें, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक के आंसर की जो वीडियो है वो तभी मिल पाएगी जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस किया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कि बायोगैस डॉट डॉट बनाई जाती है। तो जो बायो गैस है वो जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है उपरोक्त सभी से, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सही हैं, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 कि भारत में लगभग डॉट डॉट प्रतिशत पादप स्थानिक हैं। तो जो भारत में जो लगभग जो लगभग जो है 32% जो है पादप स्थानिक है। ठीक है, 32%, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 कि यहाँ पे 77 है हमारा कि कैला देवी वन जीव अभयारण्य डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो जो कैला देवी जो वन जीव अभयारण्य है वो जो स्थित है वो जम्मू और कश्मीर में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कि टिड्डे चींटियाँ मच्छरों मकड़ी उदाहरण है। तो जो टिड्डे मकड़ियाँ और जो चींटियाँ और मच्छर हैं वो जो उदाहरण हैं वो है हमारे उपभोक्ता के, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे 70 और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इशू हुआ है, क्योंकि जो 76 हमारा जो क्वेश्चन था उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। यहाँ पे सी है 76 का राइट आंसर, और जो 77 है इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 78, तो 78 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैविक कारकों उपभोक्ता दोनों के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो यहाँ पे जो द्वितीयक प्रदूषक हैं वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी PAN। ठीक है, जो सेकेंडरी जो पॉल्यूशन है वो हमारा जो है यहाँ पे PAN है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है 80, और यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके अगर आपने 60 तक क्वेश्चन के आंसर नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं आप, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप लोग जो है सारे क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। या तो आपको थोड़ी देर में यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सभी जो क्वेश्चन है उनका आंसर जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 कि निम्न में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है। तो यहाँ पे जो मुद्रा जो प्रदूषण का जो कारण है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे डी जो है वो आपका जो है सही आंसर है, तो उपरोक्त सभी।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए, और अगर हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग दोनों में से कहीं पर भी जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अभी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप लोग सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।